न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित गीता विद्या मंदिर स्कूल में बेबी शो का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य विद्यालयों तथा प्लेवे स्कूल के छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बेबी शो का थीम बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में येलो रखा गया था और विद्यालय को येलो रंग के पुष्पों से सजाया गया। इस अवसर पर सभी ने येलो रंग की पोशाकें धारण कर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य अतिथि गीता बंसल ने दीप प्रज्वलित करके बेबी शो कार्यक्रम की शुरुआत की। बेबी शो प्रतियोगिता निर्णायक मंडल में नीरू, रितु, सुमन, प्रीति, शिक्षा व शिखा उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों की प्रतिभा को सराहा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथि गणों को भेंट स्वरूप प्लांटर तथा बैचेस देकर सम्मानित किया गया। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर के राह छोटी सोचे। आज से ज्यादा समय नहीं, 10-15 साल पहले बीएससी करना है। आज पेरेंट्स की विचारों को सुनकर बदलाव लगा। अभी एक मदर से पूछा गया कि आपका बच्चा जंक फूड खाता है, लेता है, तो आप क्या करेंगी। बहुत अच्छा लगा। ये हम सभी को उस पर अमल करना चाहिए कि उसने कहा कि मैं स्वयं जंक फूड खाना छोड़ दूंगी। बड़ी मजे की बात यह है कि हम तो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते और बच्चों से आशा उम्मीद करते हो छोड़ दे। हम बच्चों के सामने जंक फूड खाएंगे तो बच्चे को कैसे मना करेंगे। तो हमें खुद छोड़ना होगा। आपका बच्चा 4th, 5th में, 3rd में पढ़ रहा है। आप उसको तो कहते हैं कि मोबाइल यूज मत कर, आते ही मोबाइल पर लग जाता है। परंतु परिवार के अंदर छोटे से बड़े तक हर व्यक्ति मोबाइल में लगा रहता है, वो देखता है, तो आप उसको कैसे मना करेंगे। तो ये बदलाव एजुकेशन के कारण है कि हमें अच्छी एजुकेशन अब मिल रही है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही चाहूंगा कि नौजवान पेरेंट्स हैं कि अपने जिनको हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा न करे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा बच्चा जंक फूड ना खाए, हमारा बच्चा हर वक्त टीवी के सामने ना रहे, हमारा बच्चा मोबाइल पर ना रहे, हमारा बच्चा गुस्सा ना करे। यदि घर में मियां बीवी लड़ रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, नेचुरली उन बच्चों को वो आदत घर से ही पनपती है, घर से ही आती है, उसका जन्म घर से ही होता है। तो हमें
यदि मियाँ बीबी ने लड़ना है तो भी बच्चे के सामने नहीं लड़ना। देखिए मियाँ बीबी का एक ऐसा संबंध है, तर्क वितर्क लड़ाई नहीं है, तो तर्क वितर्क है। जब एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो फिर वो उनकी लड़ाई नहीं होती, तो तर्क वितर्क का संबंध होता है। तो मैं आज आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप जो आपको अपने बच्चों से अपेक्षाएं हैं वो पहले अपने आप में सुधारें, अपने आप को सुधारें। मैं अमूमन देखता हूं कुछ ऐसे परिवार जो ब्राह्मण समाज से रहते हैं। विशेष प्रोग्राम किया गया आज गीता विद्या मंदिर के प्रांगण में बेबी शो का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें 1.5 साल से लेकर 7 साल के बच्चे भाग ले रहे हैं। 1 साल से लेकर 1.5 साल के बच्चों के मम्मियां भी साथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनके लिए रैंप वॉक शो करा गया है, फैंसी ड्रेस प्रोग्राम शो करा है, कलरिंग प्रोग्राम शुरू करा हुआ है। और इन सब में हमारे जो जजेस हैं, सम्मानीय हमने लेडीज को बुलाया हुआ है जो कि आज के प्रोग्राम की जजमेंट कर रही हैं। और इस प्रोग्राम के द्वारा हम बाहर के, इसमें हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सभी 500 बच्चे शहर के अलग अलग भागों से आए हैं इसमें भाग लेने के लिए। हमने इस प्रोग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है रेड ग्रुप। रेड ग्रुप में 1.5 साल से लेकर 2.5 साल के बच्चे कर रहे हैं। और उसके बाद है येलो ग्रुप। येलो ग्रुप में 2.5 साल से लेकर 3.5 साल के बच्चे हैं। और उसके बाद है ग्रीन ग्रुप। ग्रीन ग्रुप में 3.5 साल से लेकर 4.5 साल के बच्चे हैं। और उसके बाद है ब्लू ग्रुप। ब्लू ग्रुप में 4.5 से 5.5 साल तक के बच्चे हैं। और उसके बाद मदर्स का भी रैंप वॉक है। और इन ग्रुप्स में अलग अलग प्रोग्राम्स में रैंप वॉक भी चल रहा है, फैंसी ड्रेस भी चल रहा है। और बच्चे बहुत अच्छे मैसेज के साथ फैंसी ड्रेस में आए हैं, जैसे कि कोई भ्रूण हत्या के बारे में बोल रहा है, कोई सफाईगिरी के बारे में बोल रहा है, या कोई अपने देश के अच्छे नेता इंदिरा गांधी जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और सभी एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र के बच्चे स्टेज पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और यही हम एक्चुअली अपने स्कूल में देना चाहते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे तो करते ही हैं स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंटली, इस बार हमने बाहर के बच्चों को भी ये मौका दिया है कि वो हमारी स्टेज पर आए और अपना टैलेंट को दुनिया को दिखा सके, पानीपत को दिखा सके, दुनिया को दिखा सके। थैंक यू सो मच। इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं उनको तो प्राइज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोग्राम में, हम किसी को भी निराश होकर नहीं जाने देंगे। हमने सभी के लिए पार्टिसिपेशन प्राइज भी रखा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए जीतना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि पार्टिसिपेट करना है। तो हमारे सभी बच्चे आज यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं, सभी एक प्राइज के साथ जा रहे हैं, एक विनिंग स्पिरिट के साथ जा रहे हैं।